हमारे पास जेस्टॉल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि हम परसेप्शन को विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर्स किस तरह से देख सकते हैं। जेस्टॉल्ट हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये लॉज ऑफ परसेप्शन जो है ना वो डिटर्मिन किए थे, और इन लॉज ऑफ परसेप्शन की बेसिस पे हम हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का वो ग्रुप कर रहा होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो हमारे पास जो बेसिक जेस्टॉल्ट लॉ है परसेप्शन का वो हमें ये डिटेल्स दे रहा होता है कि हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है उसने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट परसीव करनी है तो उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए ब्रेन के अंदर बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्स किस तरह से बना रहा होता है। जैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसमें से पैटर्न्स फाइंड आउट करता है या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करता है, और उन पैटर्न्स और ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे वो स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट थिंग्स को परसीव कर रहा होता है या अंडरस्टैंड कर रहा होता है। हमारे पास जो ये जेस्टॉल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन है ये अर्ली 20th सेंचुरी में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ये हमारे पास जो लॉ है ये अभी भी मॉडर्न इंटरफेस डिजाइन फीचर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसके अंदर हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली जेस्टॉल्ट लॉ ऑफ परसेप्शन में किस तरह की कैटेगरीज होती है। हमारे पास जो जेस्टॉल्ट लॉ है इसमें सिक्स प्रिंसिपल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जेस्टॉल्ट लॉ जो है उसको सिक्स कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया है। इन कैटेगरीज में हमारे पास प्रॉक्सिमिटी होती है, इस प्रॉक्सिमिटी की बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, या हमारे पास सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, या हमारे पास क्लोजर प्रिंसिपल होता है, हमारे पास गुड कॉन्टिन्यूएशन प्रिंसिपल होता है, हमारे पास कॉमन फेट या कॉमन रीजन का प्रिंसिपल होता है, हमारे पास गुड फॉर्म या गुड फिगर या गुड शेप का प्रिंसिपल होता है, जिसकी बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की। हमारे पास जो इसमें प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल है, प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कहते हैं किसी चीज के क्लोज होने को, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट थिंग्स आ रही हैं या ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं वो हमारे पास किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल से हमें ये डिटर्मिन होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी शेप्स आ रही हैं उन ऑब्जेक्ट्स और शेप्स में जो ग्रुपिंग हो रही होती है वो ग्रुपिंग इस बेसिस पे होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी शेप्स हैं या जो भी थिंग्स हमने ऑर्गेनाइज की हुई हैं वो अगर तो क्लोजर टू ईच अदर हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये हमारे पास जितने भी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स होंगी वो मिलके एक ग्रुप डिफाइन कर देंगी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है, ये वाला हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, ये हमारे पास एक और ग्रुप है, ये हमारे पास एक और ग्रुप है। अगर आप इन तीनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं तो हमारे पास ये एक ग्रुप की तरह से रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन ग्रुप्स को सेपरेट करते हैं और इनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन अगर हमारे पास यहाँ पे शेप्स डिफरेंट हो लेकिन वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो और वो क्लोजर टू वन अनदर हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं उनको हम उसके दरमियान में डिस्टेंस की बेसिस पे एज अ सिंगल ग्रुप कंसिडर करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास ये वॉलमार्ट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब ये है कि ये मेल के दोनों एक ग्रुप को बिलोंग कर रही है। मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें डिफाइन कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है। तो जब भी आपको चीजों को ग्रुप करना होता है तो उसके अंदर आप प्रॉक्सिमिटी की बेसिस पे आप उनको आपस में ग्रुप कर सकते हैं, और जो आपके यूजर्स होते हैं या जो ह्यूमन पर्सन होते हैं उनके ब्रेन में ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर्स जनरेट हो रहे होते हैं ग्रुपिंग की वो प्रॉक्सिमिटी की बेसिस पे जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल होता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल में ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है हमारे ब्रेन में वो इस बेस पे हो रही होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितना रिजेंबल करती हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स ज्यादा रिजेंबल कर रही होती हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को या सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये जो हमारे पास सिमिलैरिटी प्रिंसिपल होता है इसकी बेसिस पे जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं या हमारे पास एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, तो इसमें एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना रिजेंबलेंस की बेसिस पे या सिमिलैरिटी की बेसिस पे आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे हमारे पास ये वाली जो शेप है इसके अंदर जो हमारे पास
रोज आ रही है, ये रोज जो है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो रोज है उसमें आपके पास जो ब्लैक डॉट्स हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, और जबकि आपके पास ये जो व्हाइट डॉट्स हैं ये व्हाइट डॉट्स एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। अगर आप यहाँ पर सारे कलर्स चेंज कर दें तो आपके पास इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो रोज है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो सिमिलैरिटी होती है उसको सिमिलैरिटी वो हम डिफरेंट बेसिस पे सिमिलर बना सकते हैं, जैसे हम जो ग्रुपिंग कर रहे होते हैं वो कलर की बेसिस पे भी हो सकती है, शेप की बेसिस पे भी हो सकती है। तो इन बेसिस पे हम सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और हमारा जो ब्रेन होता है इस सिमिलैरिटी की बेसिस पे उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये सेम ऑब्जेक्ट है या आपस में एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही है, तो ये ग्रुप करके एक ग्रुप फॉर्म कर रही है। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास ये गिटहब की जो वेबसाइट है, अगर आप इसके अंदर देखें तो आपके पास थ्री कलर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ग्रे हेडर लगा हुआ है, उसके नीचे आपके पास ये डार्क ग्रे कलर है एंड देन यू हैव ब्लू कलर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ग्रे कलर नजर आ रहा है इसमें हमने ग्रे कलर में जितनी भी फंक्शनैलिटीज एड हुई भी यहाँ पे हमें नजर आ रही है वो हमारा ब्रेन उन सबको एक सिमिलर ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई करता है। जितनी भी चीजें आपको इस ब्लैक कलर में इस पोर्शन में नजर आ रही है वो सारी आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर शो कर रही होती है, और फिर इसके बाद जो आपके पास ब्लू कलर में नजर आ रही है चीजें उसको आपका ब्रेन जो होता है वो एक ग्रुप में या एक ऑब्जेक्ट में कैटेगराइज कर रहा होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो डार्क ग्रे कलर है इसके अंदर अगर आप देखें तो ग्रुपिंग यहाँ पे किस तरह से हुई है कलर की बेसिस पे, जैसे ये जो आपके पास ब्लू टेक्स्ट नजर आ रहा है इसमें जैसे ये बताया हुआ है कि प्राइवेट प्लान स्टार्ट्स एट $7 पर मंथ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स और पॉलिसीज नजर आ रही है, ये टर्म्स और पॉलिसीज जो है ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरलिंक्ड है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है ना सिमिलैरिटी की बेसिस पे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास इन दोनों कलर में जो चीजें रिप्रेजेंट हुई है उनका सेम फंक्शन है, आप उनको ग्रुप करके सेम थिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर होता है। इस क्लोजर प्रिंसिपल में हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारा जो माइंड होता है या जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी या टेंडेंसी होती है कि अगर आपको क्यूज मिले हुए हैं और कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं नजर आ रही है, कंप्लीट फिगर आपको नहीं नजर आ रही है और आपके पास इनकम्प्लीट पिक्चर्स या इनकम्प्लीट पैटर्न्स हैं जो कि पार्शली हिडन है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से हाइड हो सकती है या आपके पास पूरे फिगर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती, इवन देन आपका जो ब्रेन होता है उसको ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा होता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर उसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और वो पैटर्न हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके दरम्यान में जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसको उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली जनरेट करके रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि ये हमारे पास शेप किस तरह की है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो सर्कल नजर आ रहा है इसके बॉर्डर्स मिसिंग हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारे ब्रेन में इस चीज का स्ट्रक्चर सर्कल का स्ट्रक्चर इसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ब्रेन है हमारा वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन करेगा कि ये हमारे पास एक सर्कल की शेप है, और जैसे ये हमारे पास आ रहा है शेप ये हमारे ब्रेन में जो स्क्वेयर की शेप है उसके साथ ज्यादा रिजेंबल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन इसको एज अ स्क्वेयर ही डिटरमिन कर रहा होगा। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये ज्यादातर लोगो डिजाइनिंग में यूज होता है, जैसे हमारे पास ये एक लोगो है IBM का, इसी तरह से NBC के, Zendesk के या फंडिंग सर्कल के या बहुत सारे आपने इसी तरह के आइकन्स देखे हुए होंगे जिनके अंदर आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है बट स्टिल आपका जो ब्रेन है इसको IBM के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर होता है कि अगर आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस इन्फॉर्मेशन को एनक्लोज कर रहा होता है और उसके अंदर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है या मिसिंग डिटेल्स होती हैं उनको ऑटोमेटिकली फिलअप करता है और उससे हमारे पास एक क्लोजर प्रिंसिपल बनता है जिसमें हम क्लोजर करके उसको एक ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो हमारे पास गुड कॉन्टिन्यूएशन या कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल में हमारा जो ब्रेन होता है वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, उसके अंदर विजुअल ओवरलैप्स हैं, तो इन विजुअल ओवरलैप्स की बेसिस पे हमारा जो ब्रेन होता है
वो उनको डिस्टिंग्विश करता है और उसमें उसके अंदर से कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करता है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर है. जैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो कर्व्स की फॉर्म में कॉन्टिन्यूटी जो है वो ज्यादा इजीली डिटरमिन कर लेता है. जैसे यहाँ पे एक कर्व है, जैसे हमारे पास जो लाइंस आ रही होती हैं इनके दरम्यान में जो कॉन्टिन्यूटी होती है, हमारा ब्रेन उसको ज्यादा जल्दी रेफर करता है. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफाइंड शेप्स क्रिएट कर रहा होता है कॉन्टिन्यूटी की बेसिस पे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे आ रही है. तो हमारे पास जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा होता है टू या मोर ऑब्जेक्ट्स का, तो वहां पे जो हमारा ब्रेन होता है उसको उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जहां पे अनइंटरप्टेड ऑब्जेक्ट्स बन रही हैं वो अनइंटरप्टेड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें. जैसे आप यहाँ पे आपके पास ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसको ज्यादा जल्दी आपका ब्रेन डिटरमिन कर लेगा और इसको एज अ की रिकोगनाइज करेगा, और फिर जो आपके पास बैक साइड वाली की है इसको भी वो एक एज अ की रिकोगनाइज कर रहा होगा. तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो स्मूथ कॉन्टिन्यूस पैटर्न को ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई करता है एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास डिसजॉइंट या इंटरप्टेड पैटर्न. जैसे इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूएशन होती है उस कॉन्टिन्यूएशन में हम डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं कि जैसे एक कस्टमर ने अगर एक बुक परचेज की है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में हम उसे रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाली जो बुक है ये भी कॉन्टिन्यूटी है उसी बुक की जो बुक उसने परचेज की है, या ये हमारे पास उसी तरह की बुक्स है. तो अगर किसी शख्स ने कोई बुक परचेज की है तो आप उसकी कॉन्टिन्यूएशन में उसकी सिमिलैरिटी की बेसिस पे आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये वाली जो सारी की सारी बुक्स हैं वो सेम उसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जिस कैटेगरी से उसने वो वाली बुक परचेज की है. इसी तरह से हमारे पास कॉमन फेट या कॉमन रीजन प्रिंसिपल होता है. ये जो कॉमन रीजन का प्रिंसिपल होता है, इस कॉमन रीजन प्रिंसिपल में हमारे पास जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं या जो भी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, इन विजुअल एलिमेंट्स में होता ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स नजर आ रही हैं वो सेम डायरेक्शन में सेम रेट पे, जैसे हम सेम रेट में हम ऑप्टिकल फ्लो भी कहते हैं कि वो मूव किस तरह से कर रही हैं, वो जो मूव कर रही होती हैं उस मूवमेंट को उनकी सेम डायरेक्शन और सेम रेट की बेसिस पे हमारा जो भी ब्रेन होता है वो परसीव कर रहा होता है कि ये एक सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये जो सेम डायरेक्शन है और सेम रेट है इसमें हमारा जो ब्रेन का परसेप्शन होता है वो इस मूवमेंट को एज अ सेम स्टिमुलाई कंसिडर कर रहा होता है. जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ बर्ड है इस पिक्चर के अंदर, ये ग्रुप ऑफ बर्ड जो है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. अगर ये सेम डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी के अंदर मूव ना कर रहा हो तो हम इसके अंदर से जो बर्ड्स रिकोगनाइज हम कर रहे होते हैं वो हम एज अ सेम ग्रुप रिकोगनाइज नहीं करते हैं. तो हमारे पास जो सेम स्टिमुलाई होता है, मतलब सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, ये स्टिमुलाई की बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप कंसिडर कर रहे होते हैं. तो हमारे पास ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप को हम आइडेंटिफाई इस बेस पे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास दो ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी आपका जो ब्रेन होता है वो उनकी वेलोसिटी, उनकी डायरेक्शन की बेसिस पे उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकता है. प्रैक्टिकली हमारे पास ये वाली जो चीजें अप्लाई हो रही होती हैं डिजाइन्स के अंदर, इंटरफेस डिजाइन्स के अंदर, वो हमारे पास वहां पे अप्लाई होती हैं जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्क्रोल बार्स डिजाइन कर रहे होते हैं जिसमें हमने मूवमेंट करवानी होती है. तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम सेम ग्रुप्स के अंदर कंसिडर करते हैं, यानी कि हम उसको एक कॉमन रीजन ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे आपके पास ये पिंटरेस्ट की एग्जाम्पल है, इसमें आपको डिफरेंट पिन्स नजर आ रहे हैं और इन डिफरेंट पिन्स के अंदर आपको ये रीजन्स नजर आ रहे होंगे. इस रीजन में हमने इस ऑब्जेक्ट को एनक्लोज किया हुआ, इसका मतलब यह है कि इसकी पिक्चर, इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी जो बाकी सारी डिटेल्स हैं ये सेम एक ग्रुप में. अगर आप यहाँ से स्क्रोल बार से इसको मूव अप या मूव डाउन करेंगे तो आपके पास ये जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं सारी की सारी ये सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से ही मूव होंगी. और आप जितना इसकी स्क्रोल बार को अप एंड डाउन करेंगे उसी हिसाब से ये अप एंड डाउन मूव कर रही होंगी. या जैसे आप इसको इंटरेक्शंस में इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे आपके माउस की जो मूवमेंट है स्क्रोल बार की, वो जितना आप अपने माउस को मूव करेंगे उतना ही आपकी जो स्क्रोल बार है उसको आप इसके ऊपर मैप कर रहे होंगे और वो उतना ही मूव कर रहा होगा. तो ये हमारे पास कॉमन रीजन की एग्जाम्पल होती है. इसी तरह से हमारे पास गुड फॉर्म का या गुड फिगर प्रिंसिपल होता है, इसे हम लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी भी कहते हैं. इसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है उसके ब्रेन की इस टेंडेंसी को इन्होंने रेफर किया हुआ है कि जहां पे हमारे पास जो सिमिलर फॉर्म्स होती हैं या जो शेप्स होती हैं या जो पैटर्न्स होती हैं या जो कलर्स होते हैं हमारे पास, उनकी बेसिस पे हम चीजों को ग्रुप टुगेदर कर रहे होते हैं. जैसे हम फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में चीजों को ग्रुप कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस चीज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लोगो है इसमें हमारे पास एक एप्पल बना हुआ है और इस एप्पल के अंदर एक फिगर या एक स्ट्रक्चर उन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ग्रुपिंग हो रही है वो इसमें सिमिलर शेप की बेसिस पे या सिमिलर पैटर्न की बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है। जैसे हमारे पास ये वाला जो एप्पल का ये जो लीव दिया हुआ है, ये लीव इस एप्पल का पार्ट हम कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू कि हमारे पास ये वाला जो पर्सन नजर आ रहा है हम इसका पार्ट इसको कंसिडर कर रहे हो। तो हमारे पास जो कलर्स होते हैं या जो पैटर्न होते हैं उनकी बेसिस पे हम चीजों को ग्रुप टुगेदर कर रहे होते हैं। हमारे ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है, यहाँ पर जो ग्रुपिंग हो रही है उस ग्रुपिंग को हम विद रिस्पेक्ट टू द शेप और कलर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो पर्सन है इसकी अगर आप ग्लासेस की फ्रेम की बात करें तो ये जो आपके पास ग्लासेस का फ्रेम आ रहा है एक लाइन आपको स्लीक सी नजर आ रही है, ये इस लाइन को हम इस पर्सन का पार्ट कंसिडर करते हैं रादर देन कि हम उसको इस एप्पल का पार्ट कंसिडर कर रहे हूँ। तो गुड फॉर्म और गुड शेप में क्या होता है कि हमारे पास जो पैटर्न होते हैं उन पैटर्न को हम रिकोगनाइज कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द शेप कलर या हमारे पास जितनी भी सिमिलैरिटीज इसके अंदर आ रही होती है उन सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम इसको ग्रुप टुगेदर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं उनके रैपिंग पेपर डिफरेंट होते हैं उनका एक पायल होता है तो आप उन सारे के सारे गिफ्ट्स को आइडेंटिकली रिकोगनाइज कर सकते हैं। या जैसे आपके पास ओलंपिक रिंग्स की एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे पास जो कलर्स होते हैं उनकी बेसिस पे या शेप्स की बेसिस पे हम उन रिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के रिंग्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है ना वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ चीजों को एज अ फोरग्राउंड ले रहा होता है कुछ चीजों को एज अ बैकग्राउंड ले रहा होता है। तो जब आपका ब्रेन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिस्टिंग्विश करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ग्रुपिंग्स जनरेट हो रही हैं। जैसे इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमारे पास ये वेबसाइट है एंजलिस्ट की, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर में नजर आ रहा होगा और आपके पास ये जो लोगो बना हुआ है इसके ऊपर और ये जो इन्होंने अपना नेम रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे ये फोरग्राउंड के अंदर है। तो यहाँ पे जो ब्रेन है वो इजिली डिस्टिंग्विश कर रहा है फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला बैकग्राउंड है इसके ऊपर एक और फोरग्राउंड लगा हुआ है एक बॉक्स की शेप में ये जो लाइट ग्रे कलर का है। अब ये जो लाइट ग्रे कलर का आपके पास एक बॉक्स आ रहा है इसको आपका ब्रेन एज अ फोरग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ब्लैक कलर को बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप इस बॉक्स में देखें तो इस बॉक्स में आपके पास ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है ये इस बॉक्स में फोरग्राउंड के तौर पर एक्ट कर रहा है और आपके पास ये जो बॉक्स का नीचे ग्रे कलर नजर आ रहा है ये आपके पास एज अ बैकग्राउंड डिस्प्ले हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुपिंग हो रही है उसमें हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये गुड प्रिंसिपल ऑफ गुड फॉर्म या गुड शेप या लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम चीजों को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं और इसके अंदर जो ग्रुपिंग हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फाइंड द स्टार्टअप जॉब है पोस्ट जॉब है तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी आपके पास एज अ फोरग्राउंड रिप्रेजेंट हो रही होती है एज कम्पेयर टू के आपके पास जो है ना वो बैकग्राउंड रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपका जो ब्रेन होता है वो चीजों को ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करता है प्रसीव करता है अगर आप फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को यहाँ पे डिस्टिंग्विश करवा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें वेयर द वर्ल्ड मीट स्टार्टअप तो यहाँ पे जो आपके पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है यहाँ पे आपके पास डिस्टिंग्विश इतना ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर जो कलर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ब्रेन है उसने अगर चीजों को आइडेंटिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो यहाँ पे उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे कंसिडर करवाएं कि आपके पास ये जो एंजल लिस्ट लिखा हुआ है ये और जो इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश करना और इनको ग्रुप करना हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि अगर उसे ग्रुपिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे पास जो विजुअल परसेप्शन होती है उस परसेप्शन के साथ हमारे पास बहुत सारी नॉन विजुअल परसेप्शंस होती हैं जो कि हमारी विजुअल परसेप्शन को एड कर रही होती हैं या उसमें हमारे पास चीजों को अंडरस्टैंड करने में या परसीव करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो हमारे पास जो परसेप्शन होती है जो कि नॉन विजुअल सेंसेस को इन्वॉल्व कर रही होती है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास नॉन विजुअल परसेप्शन है। जैसे हमारे पास जो कोर सेंसेस होती हैं बाकी की विजन से हट के वो हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट होती है सेंस ऑफ स्मेल होता है सेंस ऑफ टच होता है और सेंस ऑफ हीयरिंग होता है। ये वाली जो सेंसेस होती हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकती है सेंस ऑफ स्मेल किस तरह से इन्वॉल्व कर सकती है आपके पास जो सेंस ऑफ टच होता है या जिसे हैप्टिक सेंसेस कहते हैं ये आपके पास किस तरह से इन्वॉल्व हो रही होती है या आपके पास हियरिंग सेंसेस या ऑडिटरी सेंसेस जो होती हैं
वो किस तरह से आपकी ह्यूमन परसेप्शन में हेल्प कर रही होती है या ह्यूमन ब्रेन को एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में या एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही होती है. तो ये हमारे पास सारी नॉन विजुअल परसेप्शंस होती हैं. इन नॉन विजुअल परसेप्शन को अगर हम विजुअल परसेप्शंस के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू कि हम किसी एक इंडिविजुअल परसेप्शन को यूज कर रहे हों. ये आपके कुछ रेफरेंसेज हैं, आप इस बुक में से इस इन टॉपिक्स के बारे में मजीद पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग GUI डिजाइन डिस्कस करेंगे.